अपग्रेड के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया। एसपी की ओर से ईदगाह का बारीकी से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का जायजा लिया गया। 10 जुलाई के दिन मुस्लिम समाज का बेहद महत्वपूर्ण पर्व बकरीद का त्यौहार है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचते हैं। जनपद में कई ईदगाह हैं, जिसमें सबसे बड़ी ईदगाह थाना कोतवाली क्षेत्र में है। ईदगाह के एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक अमरेश दीक्षित, अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक मदमन कुमार, जिलाधिकारी सदर निवोत्तर शर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर विजयपाल सिंह, शहर कोतवाल विक्रम सिंह, यातायात प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, यातायात उप निरीक्षक रामदत्त शर्मा की ओर से पूरे ईदगाह परिसर का निरीक्षण किया गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बकरीद से एक दिन पूर्व पूरा प्रशासनिक अमला यहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचा है। सभी अधिकारियों की ओर से पूरी ईदगाह का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो कुछ कहते नजर आए, यह जरा आप भी सुनिए। आज ईदगाह का भ्रमण समस्त प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ किया गया और यहाँ पर आवश्यक प्रबंध देखा गया कि कैसे क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर करनी है। ये चारों तरफ से गेटेड है, यहाँ बाहर से कोई फोर्स की ऐसी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अंदर जो फोर्स लगाया जाता है वो रहेगा। इस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग करके भी बता दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें निषिद्ध है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, विस्तार से सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। पीस कमेटी की मीटिंग सभी थानों पर भी कर लिया गया है, जिससे कि शांतिपूर्ण और सकुशल तरीके से बकरीद सम्पन्न हो। नमाज को लेकर के क्या तैयारी की गई है? और नमाज के संबंध में भी हर जगह हमारी ड्यूटियां में रहेंगी, सादे कपड़े में भी लोग रहेंगे, और उसके पश्चात कुर्बानी को लेकर के भी बता दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पे कोई कुर्बानी नहीं होगी, इसको पर्दे में घर के अंदर करेंगे, और साथ ही कोई प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी कदापि नहीं करी जाएगी। ठीक।